यू नो कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टॉक में हम एंट्री तो एग्जैक्ट लेवल पर ले लेते हैं, पर ट्रेड से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम जल्दी प्रॉफिट बुक कर दे तो वो स्टॉक और भी ऊपर चला जाता है, तो कभी हमें पूरा भरोसा होता है कि यार प्राइस तो बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, पर उसी टाइम पे वो रिवर्स मार देती है। चलो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम एक बीच का गोल्डन रास्ता निकाल सकते हैं जो 80% ऑफ द टाइम सही हो। देन आई विल टेक यू टू माई चार्ट टू शो यू हाउ एग्जैक्टली ट्रेडर्स मेक मनी इन द मार्केट विद रियल चार्ट एंड विद द रियल ट्रेड्स। स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, मैं अमित, आप सभी का ManageTrading.com के इस YouTube चैनल पर और फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हर रोज की तरह आज भी मैं आप में से एक दोस्त का सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड आई होप उससे बाकी सभी दोस्तों का फायदा हो जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। आज का हमारा सवाल पूछा है जितेंद्र जी ने और वो पूछते हैं, हाय अमित, मैं कई सालों से ट्रेडिंग में हूँ और मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मेरी एंट्री अक्सर सही होती है पर मैं अपनी विनिंग पोजीशन को होल्ड करने में फेल हो जाता हूँ। इसके लिए अगर आप मेरी कोई हेल्प करो तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हे जितेंद्र, थैंक्स फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। चलो आज के इस वीडियो में पहले तो हम एग्जिट के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे रिलायबल टेक्निक सीखेंगे जिसकी मदद से आई एम श्योर कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, और उसके बाद हम अपने कुछ एक्चुअल ट्रेड्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आइडिया ये है कि भले हम गलत ट्रेड से चाहे जितने जल्दी बाहर निकल आए, पर विनिंग ट्रेड से हमें कभी भी जल्दी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि वही पे अपने एक्चुअल पैसे बनते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास कोई डेफिनेट प्लान हो। देखो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजंस होने चाहिए जो जब भी हम अपने चार्ट्स पर देखे तो ही हम अपनी ओपन पोजीशन को क्लोज करेंगे और ट्रेड से बाहर निकल आएंगे। चलो अभी जरा देखते हैं वो रीजन क्या हो सकते हैं। रीजन नंबर वन, अपने टारगेट का हिट होना। ये काफी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब भी प्राइस अपने प्रॉफिट टारगेट को हिट कर देगा, डिसिप्लिन के साथ हमें उस ट्रेड से बाहर निकल आना है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे अपने टारगेट सेट करता हूं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाता हूं। मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो मैं ऑलमोस्ट हर बार यूज करता हूँ। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो ये बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर आपके लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है तो फिर इसी टॉपिक को डेडिकेटेड जो एक वीडियो मैंने बनाई है वो जरूर देख लेना, बहुत काम की चीज है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो बैक टू टॉपिक, जब हम प्राइस को अपने टारगेट की तरफ देखते हैं हमें अपने ग्रीड को कंट्रोल करके ट्रेड से बाहर निकल आना है। फिर आगे है ट्रेंड लाइन ब्रेक। मान लो हम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हैं और हमने कुछ यहाँ पे एंट्री ली है जो अभी प्योरली प्रॉफिट में है, तो अगर हम प्राइस को यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हुए देखते हैं तो हमें अपने ट्रेड से बाहर निकल आना है, ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। गाइज यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, ये कुछ आइडियाज है जिससे आपको ट्रेड से बाहर निकलने के रीजन का पता चले और आप अपने लिए अपना एक पर्सनलाइज्ड एग्जिट प्लान तैयार कर सके, ओके? नंबर तीन, अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल इवेंट्स। मार्केट को अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कोई नए नहीं है। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट में अगर कोई खराब न्यूज है जिससे दुनिया भर के मार्केट गिर रहे हैं, या तो कोई सेक्टोरल खराब न्यूज है, जैसे कि आरबीआई के जब नंबर्स रिलीज होते हैं उसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बैंकिंग सेक्टर पे, या तो कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, कोई इलेक्शन न्यूज है, इन जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को अगर हम देख रहे हैं तो हमें अपने ट्रेड से बाहर निकलने के लिए ये काफी जायज मतलब वैलिड रीजन साबित होते हैं। नंबर चार, की लेवल्स हिट। मान लो हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है और प्राइस ने अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को हिट कर दिया है। ये वही लेवल है जहाँ प्रीवियसली प्राइस ने कई बार टर्न अराउंड किया है, देन दैट्स अ गुड इनफ रीजन कि हमें अपने ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। अभी मान लो हमारी एंट्री बिल्कुल यहाँ पर है और अभी प्राइस कुछ यहाँ आकर रुक गई है, हम प्राइस में बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं। मान लो जैसे उसने अपनी सारी मोमेंटम ही खो दी है, तो फिर वो भी
ट्रेड से बाहर निकल आने का काफी वैलिड रीजन हो सकता है। फिर आगे है रिवर्सल पैटर्न्स। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले समझना होगा कि कौन से रिवर्सल पैटर्न आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगते हैं। आपको उनकी एक लिस्ट बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल बेरिश एंगलफिंग पैटर्न, इवनिंग स्टार, हेड एंड शोल्डर्स, मतलब जो भी पैटर्न आपको वैलिड लगते हैं, तो जब भी हम अपने चार्ट पे वो बनते देखते हैं तो वो हमारे लिए ट्रेड से बाहर निकल आने का सिग्नल हो सकता है। तो अब तक हमने टोटल 6 ऐसे रीजन देखे हैं जो हमारे ट्रेड को क्लोज करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है। बहुत बार एंट्री लेने के बाद जब हम अपने ट्रेड को अपने एक्सपेक्टेड डायरेक्शन की तरफ जाते हुए देखते हैं तो कई बार अपनी पोजीशन हैवी होने की वजह से हमें फेयर ग्रैब कर लेता है। हमें अगर जरा भी फील गुड वाला फैक्टर नहीं मिल रहा होता फिर हम अपने गट फीलिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्राइस ने टारगेट को हिट करने से पहले ही ट्रेड से बाहर निकल आते हैं। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो आई एम श्योर आप मेरी बात बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो आइडिया ये है कि हम एक ऐसा प्लान बनाएं जिसे हम गट फीलिंग से एग्जिट लेने के बजाय एक सिस्टमैटिक रास्ता अपनाएं। अभी ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। अगर आप चाहो तो इसे कंबाइन भी कर सकते हो, इसे चाहे जैसे तोड़ मरोड़ भी सकते हो। मान लो अगर आपको सिर्फ एक एंगलफिंग पैटर्न इतना स्ट्रांग नहीं लगता तो आप दो रिवर्सल पैटर्न देखने तक का भी इंतजार कर सकते हो। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि की लेवल हिट होने के बाद अगर प्राइस वहां पे बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं दिखा रही है तो फिर इसी कॉम्बिनेशन को आप रेड सिग्नल मानकर ट्रेड से एग्जिट भी कर सकते हो। इन शॉर्ट हम यहाँ पे ये कंफर्म करके चेक एंड डबल चेक कर रहे हैं कि गलती से भी हम विनिंग ट्रेड से बाहर नहीं निकल आए। जब तक हमें अपना रेड सिग्नल नहीं मिलता हमें पेशेंस रखना होगा और अपने पोजीशन को होल्ड करना होगा और जब भी प्राइस टारगेट को हिट करे हमें एग्जिट लेनी है। गाइज हम मार्केट को चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते पर यहाँ पे हम अपने एक्शन को बिल्कुल ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम 2-3 गुना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं हमारे लॉसेस भी ऑटोमेटिकली कवर होने चालू हो जाते हैं और फिर ट्रेडिंग हमारे लिए मान लो जैसे कि एटीएम मशीन बन जाती है। सो गाइज ये थी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की कुछ सिंपल आइडियाज जो आप कल से ही अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है या तो कोई डाउट है या तो कोई सजेशन है तो फिर मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे या तो उससे भी बेस्ट आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरे ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो बातें तो बहुत हुई और मार्केट में बातों के पैसे नहीं बनते तो इसीलिए अभी हम जरा अपने एक्चुअल ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला वीडियो यहीं पॉज कर दो और मेरी 5 इंडिकेटर वाली वीडियो और इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाली वीडियो दोनों जरूर देख ले ताकि आपको आगे की वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है जिंदा स्टील का 30 मिनट का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने ठीक यहाँ पर उसके 100 सिंपल मूविंग एवरेज की ऊपर जंप लिया है। देखो हमने प्राइस को 162 के करीब आते हुए देखा। हमें यहाँ पे बाइंग करने की बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। देखो किस तरह से प्राइस 162 से वापस 156-157 के करीब आया है और फिर स्टोकास्टिक्स भी उसके 20 के लेवल पर मतलब उसके ओवरसोल्ड जोन में है। अभी अगर यहाँ पे हम इन कुछ लोज को ज्वाइन कर दे तो एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये हमारे लिए और एक सपोर्ट का काम करती है। अभी अगर हम इन कुछ लोस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देख सकते हैं जो कि एक बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल रिवर्सल पैटर्न है। तो अभी हमें सिर्फ इस पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट करना है जो हम एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं जहां पर हमें अपनी एंट्री लेनी है और इन लोस के थोड़ा नीचे होगा हमारा स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमने करीब करीब 3-4 रुपया पर शेयर के रिस्क ली है। अगर आपने मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला वीडियो देख लिया है तो आपको भी ये पता होगा कि कैसे एक सिंपल सी ट्रिक यूज करके हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। देखो कैसे ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने एक रॉकेट की तरह ऊपर के साइड टेक ऑफ कर दिया है। ये एक ही मूव में मेरे तीनों टारगेट को हिट कर दिया है। हमें बिल्कुल इसी तरह से स्मार्ट ट्रेडिंग करनी है। ट्रेंडिंग मार्केट में जब स्टॉक सस्ते होते हैं हमें अपने बाइंग करनी है और फिर जैसे ही प्राइस अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगती है जहां पर बाकी सारे लोग उसे बाय करना चाहते हैं बस एग्जैक्टली उसी वक्त हमें अपने ट्रेड से बाहर निकलना है। अमेजिंग राइट।
गाइस, ट्रेडिंग एक बहुत ही सिंपल चीज है और हमें उसे उतना ही सिंपल रखना होता है। अपने ट्रेडिंग से हमें टेंशन, प्रेशर, डर जैसे इमोशन को बाहर भागा देना है। हमें कोई भी स्टॉक को बस रैंडमली चेज नहीं करना है। हमें अच्छे स्टॉक स्कैन करके उसमें पुल बैक का वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जैसे ही प्राइस अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाए हमें सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करके अपने ट्रेड से बाहर निकल आना है। आई नो ट्रेड से बाहर निकलने की जगह हमेशा ही कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्पाइसी होती है, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने पैसे बनते हुए देख रहे होते हैं। पर बिलीव मी, हमें अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, अपने ग्रीड को काबू में लाना होगा, फिर जो भी अपने रूल्स है उस रूल के मुताबिक ही ट्रेड से एग्जिट करना होगा। और अगर आप हमेशा ही ऐसा कर पा रहे हो तो फिर यकीन मानिए ट्रेडिंग हमारे लिए एक फिक्स इनकम सोर्स बन जाएगा। इसके लिए हमें रोज ज्यादा नहीं पर थोड़ा टाइम निकालकर अपने स्टॉक को स्टडी करने होंगे। लेकिन अगर आप रोज रोज टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके लिए मेरी एक छोटी सी सर्विस है जिसमें मंथली सिर्फ 100 रुपए में आपको मेरी स्विंग ट्रेडिंग की स्टॉक की एक वॉच लिस्ट भी मिल सकती है। उसमें वो सभी स्टॉक होंगे जो अपने ब्रेकआउट पे हैं और उसके साथ साथ आपके वो स्टॉक की एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस भी मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट रखते हो और करना चाहते हो तो मार्केट टाइम में आपको मेरे लाइव अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। जो स्टडी मैं करता हूँ उसे आपके साथ शेयर भी करता हूँ। इसके लिए आपको सुबह 9 बजे के करीब वेबसाइट पर लॉगिन होना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट के लिंक और मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। देखो, आपके 100 रुपए में मैं अमीर नहीं बन रहा पर अगर आप अभी रजिस्टर करोगे तो बिलीव मी बाकी मेंबर्स की तरह भी आप कल के ब्रेकआउट्स मिस नहीं करोगे। तो मिलते हैं कल कुछ और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड कमेंट्स। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम हर रोज एक सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे आइडियाज, टिप्स एंड सजेशन शेयर होती है। सो अगेन थैंक यू गाइस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर वंडरफुल कम्युनिटी। सब्सक्राइब, कमेंट एंड आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय एंड टेक केयर।